अरूज फतेह की दास्ता वो जो जालिमों का सवाल हो बेटे सलाहुद्दीन को आप अपना बेटा कैसे मान सकते हैं? तुम मुझ पर एक इंतहाई घिनौना इल्जाम लगा रहे हो। सुल्तान ने मुहाजरे का आगाज क्यों नहीं किया? मलिक नसरुद्दीन महल में, या तो आप मेरी शर्त कबूल करेंगे या मैं ये राज आश्कार कर दूंगा। हम जितनी देर करेंगे उतना ही गैब्रियल मजबूत होगा। अब हमला करने की हमारी बारी है। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। सलाहुद्दीन के आदमी खेमा बस्ती के रास्ते से जा रहे हैं। अब वो मेरे शिकंजे में है। जानते हो मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मौत। बाकियों को जाने दो, मुझे मार दो। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं तुम्हें मार देता। तुझे नहीं मारूंगा। आ गए ना मेरे हाथ दोबारा। तुम्हें सलाउद्दीन ने वहां से निकाला था। तुम्हारी मौत उसके लिए सबक होगी। मेरे हाथों से बचना किसी कीमत पर मुमकिन नहीं। सलाउद्दीन जान लेगा। सलाउद्दीन को मेरा पैगाम दो। जब तक उस्ताद आजम उनके पास है, मेरा इंतकाम जारी रहेगा। हमारा एक मरेगा तो उसकी जगह हजार आएंगे। मैंने कहा जाने दो उन्हें, उनके पास भी मत जाना। जाने दो उन्हें, बहुत भारी पड़ेगा। छोड़ दो मेरे भाइयों को। मलिक सलाउद्दीन से हमारे हक में दुआ की दरख्वास्त करना। हम शहादत की तरफ बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। ऐसा मत कहो मेरे भाई, ऐसा मत कहो। आसमान इंतकाम से मेरी तलवार को बरकत देगा। ग्रेगर और उसके साथी हमारे करीब ही देखे गए हैं। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या वो खैमा बस्ती पर दोबारा हमला करने आए हैं? सलाहुद्दीन अस्कलान गए थे खलील को बचाने। अगर वो कामयाब हो गए होंगे तो ग्रेगर यकीनन उनके पीछे आ रहा होगा।
खलील की जान को खतरा हो सकता है। जल्दी से तैयारी करें, मेरे बेटे की जान को खतरा है। चलो तैयारी करो। मेरे भाई, मत लेना। रास्ता बदलने से मना किया था ना, किरे गौर को तो हमला करना ही था। किस लिए नाफरमानी की, किस लिए? खलील जिद कर रहा था, उसी की वजह से रास्ता बदला। ये उसने बादशाह उस्ताद का इंतकाम लिया है और वो जब तक उसे नहीं मिलेगा वो यही करेगा। जब तक मैं तुम्हारी जानों के बदले उस किरगुर की जान नहीं ले लेता, तब तक चैन की सांसें हराम है मुझ पर। आओ। के हाथ लचकदार और कलाइयां मजबूत होनी चाहिए। दुश्मन की चाल जानने के लिए जहन इस्तेमाल करें। अगर वो दिखाई भी ना दे रहा हो तुम्हें, फिर भी उससे ऐसे लड़ो कि वो सूरज की रोशनी में है। भेड़िया खाल छाड़ता है, वो खसलत नहीं बदलता कभी। वैसी की वैसी हो इस्मत खातून जैसे पहले हुआ करती थी तुम। तो तुमने अपने मुर्दा फौजी देख लिए तभी कह रही हो ना विक्टोरिया? वही तो वजह है मेरे यहाँ आने की। तो फिर क्या इरादा है, मुझसे अपने फौजियों का इंतकाम लोगी क्या? मेरे इंतकाम का निशाना सिर्फ संगी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम गलत सिमत में तलवार उठा रही हो, इसलिए कि दुश्मन सांचा है हमारा। मेरी तलवार गलत सिमत में नहीं उठती, वरना तुम क्यों आती मेरे पास? जंगियों ने तुमसे दमश्क लेकर इस खाना बदोशी की जिंदगी पर मजबूर कर दिया तुम लोगों को। हाय हाय, क्या संगियों से अपना हक वापस लोगे या उनके हरीफ बन जाओगे?
हम गलती नहीं करते कभी, एक बार हो गई बस। तुम्हारे सरों के साथ जबाने भी काट देनी चाहिए थी हमें। ग्रेगोर ने जंगियों की जमीन खून से लाल कर दी। नूरुद्दीन जंगी एक ढाल की तरह इस्तेमाल करेगा तुम्हें इत्तेहाद के बहाने। क्या कहने, वो अपने एक दुश्मन से दूसरे दुश्मन को लड़ा देगा। वो इस तरह से सारे के सारे दुश्मन एक एक करके खत्म करके और फैलेगा। अब ये तुम पर है, एक भेड़िए की तरह शिकार करोगी तुम या उस जंगी का शिकार बन जाओगी। अगर हमारा हाथ तुम्हारी तरफ बढ़ा तो सिर्फ तुम्हारा सर तन से जुदा करने के लिए बढ़ेगा। इस वक्त तुम हमारी मेहमान हो खुशकिस्मती से, वरना मेरी तलवार दुश्मन को देख के बेचैन हो जाती है। मालूम हो चुका है कि नूरुद्दीन जंगी इस वक्त कहां मौजूद है। वो शिकारगाह में है। सब कैसे हुआ? ग्रेगोर, उसने इनका पीछा किया। तुमने वादा किया था मुझसे कि तुम इसे जिंदा मेरे पास वापस लाओगे, लेकिन तुमने इसकी लाश मेरे हवाले की। तुमने अपना वादा तोड़ दिया।
इस हादसे का सबब तुम हो। तुम इस हादसे का सबब हो। इब्राहिम, कुछ नहीं है सिवाय लहू के। तुमने हमारे बीच लहू से दीवार उठा दी है। हमारे भाइयों ने अपनी जानें खोई, तुम्हारा बेटा इसका जिम्मेदार है। पार्स, तुम एक मरे हुए आदमी पर बोहतान लगा रहे हो, नीच इंसान। पार्स, इब्राहिम, इनके दुख में और इजाफा मत करो। मैं नूरुद्दीन संगी के पास जाऊंगा और तुमसे इसका हिसाब लेने के लिए कहूंगा। मेरे बेटे को उठा लो। हम खलील को अस्कलान के पास दफन करेंगे। जंगियों की जमीन पर इसको चैन ना आएगा। खलील छोटा था मुझसे, अब वो तो नहीं रहा। बस खून के चंद कतरे, ये खून आग बनकर मेरे दिल में हमेशा रहेगा। अगर मैं बदला नहीं ले सकी उसका बदला लोगे। तो भूले नहीं मुझे अब तक। ये आंखें भुलाई जा सकती हैं। इतनी शदीद नफरत से कोई और नहीं देखता मुझे तुम्हारे सिवा। जब अच्छी तरह जानते हो मेरी नफरत को, तो मेरे भाई से मुलाकात किस लिए? जवाब दिया तो है अभी, ताकि एक मकसद के लिए मुत्तहिद हो जाएं। गलत फहमी है तुमको। तुम्हें सिर्फ ये बताने आई हूं मैं यहां। तुमने अगर हमको धोखा दिया, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं तुम्हारे भाई को क्यों बुलाता अगर तुम्हें धोखा देना होता? इतने बरसों कहां रहे? मुत्तहिद होने का ख्याल अब क्यों आया तुम्हें? क्योंकि दुश्मन भी इत्तहाद कर चुका, और अगर हम बिखरे रहे तो वो हमें जिंदा निगल जाएगा। सुना तो है तुम्हारा वतन खून से लाल कर दिया है दुश्मनों ने। जाहिर है तुम्हें हमारी मदद चाहिए, क्योंकि तन्हा उससे निमट नहीं सकते। दुश्मनी ने अंधा कर दिया है तुम्हें, इसलिए देख नहीं पाई। अब कुछ देखने का फायदा नहीं सुल्तान नूरुद्दीन। बहुत देर हो चुकी, क्योंकि बरसों पहले तुम हमसे हमारा वतन छीनकर ये मौका खो चुके। मेरा बाप इस दुनिया से तुम्हारी वजह से एड़ियां रगड़ते हुए गया। हार गए तुम।
मेरे सुल्तान, ग्रेगोर ने खैमा बस्ती वाले रास्ते पर छुड़ाए गए कैदियों को मार डाला। मंसूर का बेटा मारा गया। अस्कलानी बिपरे हुए हैं, वो हमारे खिलाफ बगावत कर सकते हैं किसी भी वक्त। हमें फौरन मंसूर की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि पहले हमें उनका गुस्सा ठंडा करना है। वो हमें अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार समझ रहे होंगे, कहीं ऐसा ना हो हमें देखकर और भड़क उठे। अगर हम उसकी मौत के जिम्मेदार हैं तो फिर इसकी सजा भी हमें भुगतनी होगी। कूच, सलाहुद्दीन के आदमियों को मार के हमने उसे बता दिया कि वो हमसे नहीं जीत सकता, मगर नूरुद्दीन जंगी जरूर हमारे पीछे आएगा। तो फिर नूरुद्दीन जंगी की बारी है, अब उसको ऐसी चोट पहुंचाऊंगा मैं, फिर जो मांगूंगा वो तश्त में सजा के देगा। तो आज के दिन से तुम सब इस बाजार में काम करोगी। बिर्रा खातून, आज से तुम्हें अहकामात सिर्फ मैं दूंगी और तुम सिर्फ मुझे जवाब दे होगी। चलो जल्दी से सब अपने अपने काम पर लग जाओ। बिर्रा खातून, ये सब खवातीन बरसों से यहाँ काम कर रही हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि ये सब क्यों और किस लिए? क्यों और किस लिए? दिखाई नहीं देता क्या हाल हो गया है यहाँ का फातिमा खातून? तुम तो काम ही नहीं करती। अब ये सब कुछ मुझे ठीक करना है फातिमा खातून। इस तरह तो निजाम ही धरम भरम हो जाएगा। बदतमीज, तुम मुझसे इस तरह बात करने वाली कौन होती हो? रियायतें बहुत हो चुकी हैं, शाही माल पर ऐश करने के दिन गुजर चुके, थकी नहीं खून चूस चूस के? तुम्हारे दिन अब तमाम हुए फातिमा खातून। इन औरतों को लो और यहाँ से फौरन चली जाओ। यहाँ सिर्फ मेरे अहकाम चलते हैं, किसी को नहीं हटा सकती तुम यहाँ से। याद नहीं क्या कौन हूँ मैं मलिके खातून? मुझे पूरा इख्तियार है, खानदान की खातून हूँ एक, इसलिए जो चाहे करूँ। अब कल तक एक गद्दार थी, आज माफी मिल गई है तो समझ रही हो कि सब कुछ कर लोगी। अगर कोई तकलीफ है तो सुल्तान नूरुद्दीन से रुजू करे, खुद ही देख लें आपकी बात सुनते हैं या हम लोगों को अहमियत देते हैं वो। काम पर लगो जल्दी, चलो। तुम्हारे मुर्दों का कुछ भी नहीं बचा है सिवाय खून के। आज इस मैदान में तेरे खून का तो एक कतरा भी नहीं बचेगा। तो फिर जान ले के हर मुसलमान का खून बहेगा, वो हुज्जत जो तुम्हारी जिम्मेदारियां उनका भी। रुक जा। तुम्हारे बेटे ने अस्कलान में जो किया उसकी सजा मिल गई उसे, और तुम्हें भी मिलेगी। उस्ताद आजम को जब तक मेरे हवाले नहीं कर देते इंतकाम लेता रहूंगा। रुक जाए मेरे सुल्तान, ये मत करें। मरने वाले तो मर गए, आप उनके लिए सोचें जो जिंदा हैं।
तेरी कैद में जो फौजी है शहादत की नेमत पाना चाहते हैं। अगर तुझे अपनी इस बेकार जान की परवाह नहीं तो उन सबको मार डाल। तुम्हारी सल्तनत में क्या सब मरने के लिए तैयार है? जिस तरह मैंने मंसूर की औलाद को मार डाला, बिल्कुल उसी तरह तेरी रियासत के हर घर से जनाजे उठेंगे। जिस दिन अस्कलान आऊंगा फौज के साथ, तुझे अपने पंजों में दबोच लूंगा। मैं जानता हूं कि तुम जंग की तैयारी कर रहे हो, लेकिन तुम्हें इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं है कि अस्कलान में तुम्हारा किससे सामना होगा। इंताकिया का सलीबी शहजादा, तराबलुस की सलीबी फौज, कलीसे के सरदार, आर्मेनिया की सिलिशिया हुकूमत, सब टूट पड़ेंगे तुम पर। मेरे पास इख्तियार है, सारी की सारी ईसाई रियासतों को जमा कर लूंगा। तुम्हारे पास इख्तियार है कोई? वो तुम्हारा बेटा तो बिल्कुल बुजदिल की तरह भाग गया, लेकिन मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। उस्ताद आजम को मेरे हवाले कर दो, वरना खून खराबा होता रहेगा। तुमने मेरे बेटे की जान ली है, इसलिए मैं तुम्हारी जान लूंगा ग्रेगोर। आंसू पोंछ लो, सर उठाओ, दुश्मन को खुद पर हंसने का मौका मत दो। दोस्त दुश्मन मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे दिल खोलकर छोटे भाई के लिए रोने दे। ये आंसू तुम्हें जेब नहीं देते। तुम्हारे बाबा तुम्हारे भाई के काफिर कातिलों से, उस नूरुद्दीन जंगी से ऐलाने जंग कर चुके हैं। हमारे दुख का इलाज सिर्फ इंतकाम लेना है। तुम्हें अपने भाई का इंतकाम लेने के लिए तलवार उठानी होगी, दुश्मन से और सलाउद्दीन से, दोनों से ले लो इंतकाम। जाओ रोको उन्हें। मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये मेरे बेटे का कातिल है। उससे जब तक मैं इंतकाम ना ले लूंगा, दिल में लगी आग ठंडी ना पड़ेगी। सुल्तान ने रुकने का हुक्म दिया है। शिरकू, खुद पर काबू रखो। बात सुनो सुल्तान नूरुद्दीन, जब तक उस्ताद आजम को लौटा नहीं देते, तब तक सिर्फ मैं नहीं, तुम्हारे लोग भी आपस में इसी तरह खून बहाते रहेंगे और ये खून खराबा ना रुकेगा। जा रहा हूं।
ना मैं तुम्हें भूलूंगा और ना ही तुम्हारा इंतकाम लेना भूलूंगा कभी। मैं तो तुमसे अपने बेटे की मौत का हिसाब चाहता था और तुमने हाथ में आए मेरे बेटे के कातिल को जाने दिया। सुल्तान की तरफ बढ़ने की जरूरत मत करो। अब की बार छोड़ूंगा नहीं तुमको, याद रखना। शिरको, जानते हो बेटे की मौत का दुख क्या होता है? हाँ, मेरे वजूद का एक हिस्सा जमीन के अंदर है, मेरा दिल खून के आंसू हो रहा है। वो ग्रेगोर अगर तुम्हारे बेटे को मार डालता तो क्या उसे जाने देते? इस वक्त तकलीफ में हो, जो चाहो कह सकते हो तुम मुझको, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए हम भी बहुत तकलीफ में हैं। रही बात ग्रेगोर की, तो उसे किसी वजह से जाने दिया, उसका वक्त जरूर आएगा। लेकिन मेरे बेटे के कत्ल में सिर्फ ग्रेगोर का नहीं, सलाउद्दीन का भी कसूर है, तुम्हारा भी तो कसूर है। वादा किया था तुमने मेरे बेटे को लाने का, लेकिन वो तो नहीं मिला, मगर उसकी मैयत जरूर मिल गई। ग्रेगोर को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन उससे पहले हमें आपस में मुत्तहिद होने की जरूरत है। सरदार मुझसे मिलने आ रहे हैं, तुम्हें भी आना होगा। मैं हरगिज तुम्हारी इस मजलिस में नहीं आऊंगा, तुमसे कोई इत्तेहाद नहीं करना मुझे। तुम जानते नहीं वो सलेबी हमसे जंग को तैयार बैठे हैं, अस्कलान के लिए और खलील के इंतकाम के लिए इत्तेहाद शर्त है। अस्कलान मेरे हाथ से चले जाने की और मेरे मासूम बेटे के बहिमाना कत्ल की कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें, और आज से तुमसे हमारा ताल्लुक सिर्फ वही है जो ताल्लुक सलेबियों से है। हम महल वापस जाएंगे, अगर तुमने मुझे उस वक्त ना रोका होता तो अस्कलान का मुहासरा करके मैं ग्रेगोर का काम तमाम कर चुका होता और ये सब ना होता। आपको तो मैंने मुसीबत से बचाने के लिए रोका था मेरे सुल्तान, आपने देख तो लिया तमाम ईसाई दुनिया जंग के लिए तैयार है, किसी वक्त भी हम पर टूट पड़ेंगे। बचने का एक ही तरीका है, बादशाह उस्ताद को लौटा देना चाहिए, वरना इत्तेहाद के लिए आपकी सारी कोशिशें रायगा चली जाएंगी। ब्लैकफोर्ड को उनके हवाले कर दीजिए ताकि ये किस्सा खत्म हो। अगर अस्कलान का मुहासरा कर लेते तो ग्रेगोर पीछे ना आ पाता और ना हमारे भाई शहीद होते। हम बदला लेंगे उनके खून का। हमारे सुल्तान ने कहा है अब कोई जंग नहीं होगी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? सुल्तान अपना इरादा बदल देंगे, वरना ग्रेगोर में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? मलिक अजी वकार, हमारे सुल्तान बादशाह उस्ताद को हमारे मरकज से निकालकर अपने साथ ले गए हैं, वो उसे ग्रेगोर के हवाले करने वाले हैं।